बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है पैकिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल इन यार्न मैन्युफैक्चरिंग। इससे पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि यार्न बनता कैसे है, जिसके अंदर दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक यार्न ट्विस्टिंग एंड सेकेंड इज दी ड्राफ्टिंग। ड्राफ्ट देना होता है फाइबर्स को एंड यार्न फाइबर्स को ट्विस्ट करना होता है। इन दो चीज़ों से हमारे पास धागा बन जाता है। उसके बाद हमने डिफरेंट मशीन्स देखी, जिसके अंदर हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लो रूम होता है, फिर वहाँ से हमारे पास लैब बनता है, वो लैब हमारे पास कार्डिंग मशीन पे आता है, कार्डिंग मशीन से हम स्लाइवर बनाते हैं एंड उस स्लाइवर को हम ड्राफ्ट फ्रेम के ऊपर फीड करते हैं, ड्राफ्ट फ्रेम अगेन उसे कन्वर्ट करता है इनटू द फॉर्म ऑफ स्लाइवर, यहाँ पे उसकी मिक्सिंग होती है। देन हमने कहा था कि यहाँ पे कॉम्बर मशीन होती है एंड लैब फार्मर होता है, जो कि कॉम्ब यार्न के लिए चाहिए, और अगर हमने कार्डेड यार्न बनाना है तो फिर ये दो मशीन जो हैं वो नहीं होंगी। उसके बाद हमारे पास सिम्प्लेक्स होता है, जहाँ पे हम रोविंग बनाते हैं, उस रोविंग को हम देन अगर हम रिंग स्पिनिंग टेक्निक से धागा बना रहे हैं तो हम रिंग फ्रेम के ऊपर लेके जाएंगे, और अगर हम ओपन एंड या एयर वॉर्टेक्स से धागा बना रहे हैं तो फिर हम सिम्प्लेक्स की मशीन को भी बीच में से निकाल देंगे। हम ड्रैग स्लाइवर को, जो हमारे पास ड्राफ्ट फ्रेम से आएगा, उसको हम ओपन एंड की मशीन पे या एयर वॉर्टेक्स की मशीन पे लेके जाएंगे, और वहाँ से जो धागा है वो हमारे पास बन जाएगा। अब धागा बन गया। धागा बनने के बाद दो काम होते हैं, एक उसकी पैकिंग एंड सेकेंड ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस हमने क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है। जो धागा हम बना रहे हैं हमने इसको कैसे इंश्योर करना है कि वो उसी क्वालिटी का बन रहा है जो हम बनाना चाह रहे हैं। उस क्वालिटी के अंदर यार्न की स्ट्रेंथ होती है, यार्न की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, अलॉन्ग विद डैट यार्न का काउंट होता है कि क्या अगर हम 8 के काउंट का धागा बना रहे हैं तो क्या जो धागा बन रहा है वो 8 के काउंट का ही बन रहा है। सो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमें इंश्योर करनी होती है ड्यूरिंग दी होल असेंबली लाइन। ऐसा नहीं है कि हम प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और फिर एट दी एंड आके कहते हैं कि अब उसको चेक करें कि अब हमारे पास क्या बना है। हम उसे डिफरेंट मशीन्स के ऊपर ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन हम उसको चेक करते रहते हैं। रिंग फ्रेम स्पिनिंग के ऊपर हमारे पास इस तरह की बॉबिन्स जो हैं वो उनके ऊपर धागा वाइंड होता है। हर फ्रेम जो है वो एक बॉबिन के ऊपर धागा वाइंड कर रहा होता है। बट ये जो बॉबिन्स हैं दीज आर नॉट सूटेबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एंड पैकेजिंग। एक तो इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लेकिन धागे की क्वांटिटी इनके ऊपर जो वाइंड हुई हुई है वो बहुत ही कम है। सो इनको ट्रांसपोर्ट के अंदर भी इसके अंदर डिफिकल्टीज आती हैं और इसकी पैकेजिंग में भी डिफिकल्टी आती है। सो इसका सोल्यूशन ये है कि हम इन बॉबिन्स को क्या करते हैं, हम इन बॉबिन्स को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू कॉन्स। इस तरह की कॉन्स के ऊपर हम धागा जो है वो बाइंड कर लेते हैं, इन बॉबिन से धागा उतारते हैं और इन कॉन्स के ऊपर धागा बाइंड कर लेते हैं। एक तो कॉन्स के दो तीन फायदे हैं। पहला ये कि इनकी पैकेजिंग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हो जाती है, इट मीन्स कि हम थोड़ी थोड़े वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ यार्न जो है, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ यार्न जो है उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एंड सेकेंडली इसका फ़ायदा ये होता है कि एक कोन के ऊपर जो धागे का की क्वांटिटी है, जो धागे का वेट है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू दी बॉबिन। अच्छा, अब ये जो बॉबिन्स हैं ये सिर्फ हमारे पास रिंग फ्रेम से आते हैं। जो हमारे पास ओपन एंड का यार्न होगा या एयर वॉर्टेक्स की मशीन के ऊपर यार्न बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे हम ड्रैक्स स्लाइवर से यार्न बनाते हैं, इस वजह से वहाँ पे हमारे पास बॉबिन्स के ऊपर धागा वाइंड नहीं होता, वहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं ड्रैक्स कॉन्स। सो रिंग फ्रेम के अंदर बॉबिन्स के ऊपर धागा वाइंड होता है एंड ओपन एंड एंड एयर वॉर्टेक्स की मशीन के ऊपर हम ड्रैक्स कॉन्स बना रहे होते हैं। इस वजह से रिंग फ्रेम की जो स्पिनिंग टेक्निक है इसके अंदर सिर्फ हमारे पास वाइंडिंग की मशीन होती है। ये वाइंडिंग की मशीन सिर्फ रिंग फ्रेम के ऊपर यूज होती है, जहाँ पे हम बॉबिन से धागा को उतारते हैं और उसको वाइंड करते हैं कॉन्स के ऊपर। इस वाइंडिंग मशीन का तीन पर्पज है। फर्स्ट वन इज द रिमूवल ऑफ फॉल्ट्स। ये फॉल्ट्स को रिमूव कैसे करती है, अगर आप इस मशीन को देखें तो यहाँ पे नीचे हमारे पास वो बॉबिन्स लगे हुए हैं जो हमने रिंग फ्रेम से लिए हैं, एंड यहाँ पे फिर ऊपर जाते हैं हम जब, तो यहाँ पे हमारे पास बड़ी कॉन जो है वो हमारे पास बन गई है। इससे
हम मल्टीपल बॉबिन से धागा उठा रहे हैं और उसको एक सिंगल पैकेज या एक सिंगल कोन के ऊपर उसको वाइंड कर रहे हैं। इस जो वाइंडिंग मशीन है, इसका एक और पर्पज है, वो है जो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी या फंक्शन इसका है, वो प्रोसेस का, वो है रिमूवल ऑफ पार्ट्स। तो ये पार्ट्स को कैसे रिमूव करता है? इसके अंदर हमारे पास स्प्लाइसिंग यूनिट लगा होता है। वो स्प्लाइसिंग यूनिट ऐसे करता है कि वो चेक करता है कि धागा नॉर्मल या एवरेज काउंट से ज्यादा उसकी थिकनेस आ रही है या थिन हो चुका है। वो कहीं से थिक हो जाएगा या कहीं से थिन हो जाएगा, अगर तो ये क्या करता है, ये धागे को वहां से कट करता है, तो उस फॉल्ट को रिमूव करता है कट करके, एंड अगेन दोनों धागे के जो दो एंड्स हैं उनको आपस में ट्विस्ट करवा देता है। फर्स्ट अनट्विस्ट करता है धागे को, एयर प्रेशर के साथ उसकी ट्विस्टिंग को ओपन करता है, दोनों को करीब लगाता है, लेके आता है, और देन फिर उनको ट्विस्ट देता है दी ऑपोजिट डायरेक्शन और दोनों को जोड़ देता है। एंड इस धागे के इस जोड़ने को हम कहते हैं स्प्लाइस करना। सो ये स्प्लाइसिंग करता है। इस तरह हम जो है वो थिक और थिन प्लेसेस दोनों रिमूव कर लेते हैं। देन इसका जो प्रोसेस है, सेकेंड इसका फंक्शन है, वो बाइंडिंग है फ्रॉम बॉबिन टू कॉन, एंड थर्ड इसकी पैकिंग हो गई है। एक सूटेबल पैकेज के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर जो यान सेल होता है, वो सेल होता है कॉन वेट के हिसाब से। हम धागे की लेंथ नहीं मेजर कर रहे होते, बल्कि हम उसका वेट मेजर कर रहे होते हैं। सो पाकिस्तान के अंदर हम कहते हैं कि वन बैग ऑफ यान, एक बैग है हमारे पास, और उस बैग का वजन 100 पाउंड होता है हमेशा, वो फिक्स है। एक बैग के अंदर हमेशा 100 पाउंड ही उसका वेट होगा। अब कौन से हैं, वो हमारे पास दो तरह के वेट्स के अंदर बनते हैं। फर्स्ट वन इज दी 4.16 पाउंड, एंड सेकेंड वन इज 2.5 पाउंड, 2.5 पाउंड की कौन और 4.25 पाउंड की कौन बनती है। जो कोर्स काउंटर कोर्स यान वो होता है, जो कोर्सर काउंट के साथ होता है अप टिल 60 ME, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू 60 ME, जो कोर्स काउंट का यान होता है उस पे, उसके लिए हम 4.25 पाउंड की कॉन बनाते हैं। और इस तरह की 4.25 पाउंड की कॉन्स एक पैक के अंदर 24 आती हैं, ठीक है। सो इट मीन्स कि अगर 60 तक का काउंट का यान है, तो उसके पास हमारे पास एक कॉन का वेट 4.25 पाउंड होगा, और एक बैग के अंदर 24 कॉन्स होंगी। और अगर हमारे पास फाइनल यान होगा 60 से ऊपर, जितना भी यान हम बनाएंगे, तो उसके लिए हम 2.5 पाउंड की कॉन बनाते हैं, और वो 40 कॉन्स आती हैं एक बैग के अंदर। अगेन हमने 100 पाउंड ही पूरे करने हैं। अब फाइनल काउंट के अंदर हम वेट कम क्यों कर लेते हैं? उसकी एक रीजन तो ये है कि धागा फाइन होता जाता है, तो जो बाइंडिंग है हमारे पास, अगर हम उसका 4.5 पाउंड की ही कॉन बनाएंगे, तो वो बाइंडिंग मुश्किल हो जाती है हमारे पास। धागों की क्वाइल्स जो है वो एक दूसरे के अंदर इंटेंगलमेंट हो जाएगी, या वो उसके अंदर टेंशन वेरिएशन आ जाएगी। सो इसलिए हम उसका वेट कम कर लेते हैं, ताकि हम उस पैकेज को सूटेबल रखें। सूटेबल मीन्स कि जिसकी ऊपर से क्वाइल्स जो है वो रिमूव ना हो धागे की, जिनकी आपस में इंटेंगलमेंट ना हो, जो ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो, वो पैकेज डिस्टर्ब ना हो, अपनी शेप ना खराब करे। इन सारी चीजों का मतलब है कि ये सूटेबल पैकेज है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज कि अगर कोर्सर काउंट है और वो 4.25 पाउंड की कॉन है, और इसी तरह अगर फाइनर काउंट है और वो भी हमने 4.25 पाउंड की ही कॉन बना ली है, तो दोनों में से लेंथ किसके ऊपर ज्यादा आएगी? सो वेट हमारा कांस्टेंट है, अब लेंथ किसकी ज्यादा आएगी? तो लेंथ उसकी ज्यादा आएगी जिसका काउंट फाइन है, जो स्पेस कम ले रहा है, जिसके ऊपर फाइबर कंटेंट कम है, उसकी लेंथ ज्यादा होगी। ये थी हमारे पास कुछ बातें जो कि हमने जब धागा बना लिया, तो उसको फिर आगे स्टोर कैसे करना है, पैकेज कैसे उसका चेंज करना है, और उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है टू दी वीविंग इंडस्ट्री। क्योंकि स्पिनिंग का जितना भी धागा है वो हम बना रहे होते हैं वीविंग के लिए, उस धागे से फैब्रिक बनना होता है वीविंग के लिए या निटिंग के लिए। सो हम उसको वहां पे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस ये मशीन है डबलिंग की। डबलिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि अब हमने धागा तो बना लिया, हमने पैकेजेस भी उसके बना लिए, बट समटाइम्स हम क्या चाहते हैं कि हम धागा बनाएं 2 प्लाई, 3 प्लाई, या मल्टीपल प्लाईज, इससे भी ज़्यादा प्लाईज का धागा बनाना चाह रहे हैं हम। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उन कॉन्स को, उन पैकेजेस को हम यहाँ लगाते हैं, और फिर उनको आपस में एक दूसरे के साथ ट्विस्ट देते हैं। सो अगर हमने दो धागे लिए हैं,
वो दो धागे कंप्लीट प्रोसेस में से होके आए, ग्लोरोम से, गार्डिंग से, ट्रा फ्रेम से, कॉम्बर से, और उसके बाद सिंप्लेक्स से, रिंग फ्रेम से, पूरा धागा बन गया। ये दो सेपरेटली धागे बने हुए। अब उन दोनों धागों को ला के हम क्या कह रहे हैं, आपस में ट्विस्ट करवा के अगेन एक सिंगल यार्न बना रहे हैं। सो इसको हम कहते हैं प्लाइंग ऑफ द यार्न, कि हमने मल्टीपल यार्न्स को आपस में इकट्ठा कर लिया। ये 2 ply यार्न्स भी हो सकते हैं, ये 3 ply यार्न्स भी हो सकते हैं, और ये इससे भी ज्यादा प्लाई के यार्न भी हो सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे हम जब प्लाइस इसकी प्लाइंग कर लेंगे, तो फिर उसके बाद हम इसको सूटेबल पैकेज के अंदर अगेन हम इसकी पैकेजिंग करेंगे। अच्छा, जो सिंगल प्लाई यार्न्स होते हैं और जो मल्टीपल प्लाइड यार्न्स होते हैं, इन दोनों की पैकेजिंग का वेट और बाकी चीज़ें थोड़ी सी एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो पैकेजेस लगे हुए हैं वो डिफरेंट है उन पैकेजेस से जो हमने सिंगल प्लाई के अंदर, ये से पहले वाली स्लाइड के अंदर हमने देखे थे। नेक्स्ट प्रोसेस इज यार्न कंडीशनिंग एंड पैकिंग। अब हमने पैकेज को चेंज कर लिया, लेकिन उसके बाद एक प्रोसेस और रहता है जिसके अंदर हम उसे कहते हैं यार्न कंडीशनिंग। इन कॉन्स को बैग के अंदर या इस तरह के कार्टन्स के अंदर पैक करने से पहले हमें एक प्रोसेस और करना पड़ता है जिसका नाम है यार्न कंडीशनिंग, जिसके अंदर दो काम होते हैं। यार्न की हीट सेटिंग होती है थ्रू स्टीम, और उसके बाद पैकेजिंग ऑफ कॉन्स है जिसको हम पॉलीथीन बैग्स के अंदर पैक कर सकते हैं, कार्टन्स के अंदर पैक कर सकते हैं, या पैलेट्स के अंदर इसको पैक कर सकते हैं। सो यार्न की हीट सेटिंग क्या है, ये अब हम देखते हैं। यार्न कंडीशनिंग के अंदर जो सबसे पहली बात समझने की है वो ये है कि हमारी जो स्पिनिंग मिल्स, जो स्पिनिंग इंडस्ट्री है, वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर किसके ऊपर ऑपरेट करती है। इट मीन्स स्टैंडर्ड मीन्स के हम ने एक चीज को फिक्स कर लिया है। अब हम पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसका मतलब ये कि आपकी वो वाली सेटिंग्स वहां पे भी वही होंगी। सो क्योंकि आपको पता है कॉटन का मॉइस्चर रिगेन 8.5% है, इट मीन्स के स्टैंडर्ड एटमोसफेयर के ऊपर वो अपने वेट का 8.5% वाटर अपने अंदर रिटेन कर सकती है, कॉटन की ये एबिलिटी है। अब अगर हम एटमॉस्फेयर ऐसा है हमारे पास जिसमें ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो कॉटन 8.5 से ज़्यादा जो वाटर कंटेंट है उसको अपने अंदर अब्सॉर्ब करने की क्वालिटी भी रखती है। और अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर ऐसा है जिसके अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू कम है, तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर अपना जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको इवेपोरेट भी कर देगी। सो जो हमारी कॉटन यार्न की सेल और परचेज है उसके लिए हमने स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर सेट किया हुआ है, और हम कहते हैं कि आपने अगर इसको अपने पास चेक करना है तो आप इसको इस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर के ऊपर चेक करें। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज दी टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो हमने फिक्स किया हुआ है डेट इज 20 degrees ±2, इट मीन्स के 18 से 22 degree तक हमारे पास सेंटीग्रेड में ये हमारे पास टेम्परेचर हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज द मॉइस्चर लेवल इन द एटमॉस्फेयर, के आपके उस इन्वायरमेंट के अंदर मॉइस्चर कितना है। सो उसकी परसेंट जो है वो 65% है ±4 के साथ, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर है, और इस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर के ऊपर जो कॉटन है वो 8.5% ऑफ इस वेट मॉइस्चर रिटेन करने की या अपने अंदर कंटेन करने की एबिलिटी रखती है। अब हमारा जो स्पिनिंग मिल का जो एटमॉस्फेयर है, जैसे कि ब्लो रूम है, कार्ड मशीन है, ड्राइंग फ्रेम है, और सिंप्लेक्स है, और फिर रिंग फ्रेम है, यहाँ पे ऊपर हमारे पास जो टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर है वो हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर नहीं रख सकते। सो मिल के अंदर हमारे पास जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू है वो 40 to 50% होती है, ठीक है। इसकी वजह ये है कि अगर हम इसको स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर पे रखेंगे तो कॉटन जो है वो पानी अब्सॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेगा, और वो गीला हो जाएगा, डैम्प हो जाएगा। और जब डैम्प हो जाएगा तो इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि फिर जैसे हमारे पास कार्ड मशीन है, तो कार्ड मशीन के अंदर हमारे पास सिलेंडर होता है, तो उस सिलेंडर के ऊपर ये सारे के सारे फाइबर्स जो है वो उसके साथ स्टिक कर देंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। इसे कहते हैं कॉटन जो है वो चिपक गई है उसके साथ, वो आगे प्रोसेस ही नहीं हो सकती, वो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर पर ट्रांसफर ही नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर वो ड्राई नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से
हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर से कम रखनी पड़ती है ताकि हम प्रोसेस एबिलिटी को जो है वो कंटिन्यू कर सकें। जो डिफरेंट मशीन्स का प्रोसेस की एबिलिटी है वो हमारे पास उससे जो है वो इफेक्ट ना हो। सो इस वजह से हमारी जो स्पिनिंग मिल की रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको हम कम रखते हैं। अब इससे आगे क्या होना है, हमने ये सारी चीजें पढ़ी क्यों है? इससे होता ये है कि जो हम धागा बनाते हैं अब उसके अंदर जो कॉटन यार्न का मॉइस्चर रीगेन आता है वो 3 से 4.5% तक आता है, जबकि हमें हमने जो कॉटन खरीदी वो 8.5% के हिसाब से खरीदी। ठीक है, इट मीन्स अब हुआ कि अगर हमने 100 kg ऑफ कॉटन खरीद ली फॉर एग्जाम्पल, तो अब उसमें से वो जो 100 kg खरीदी डेट वॉज एट 8.5% ऑफ द मॉइस्चर रीगेन। लेकिन जब हम उसे ब्लो रूम के अंदर लेके आए और हमने उसे डिफरेंट प्रोसेसेस करवाए तो दो चीजें हुई। फर्स्ट वन, उसमें से ट्रैश रिमूवल हुई। तो डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर डिफरेंट तरह की जो ट्रैश रिमूवल होगी कुछ परसेंटेज उसकी वो उसमें से निकल गई। एंड सेकेंड, हमने उसको 8.5 पर परचेज किया था मॉइस्चर रिगेन पे और अब हमने उसका मॉइस्चर रिगेन कम कर लिया, इट मीन्स कि उसका वेट कम हो गया, उसने अपने अंदर का मॉइस्चर कंटेंट एटमोसफेयर के अंदर रिलीज कर दिया। सो अब उसका वेट मजीद कम हो, इट मीन्स कि अगर हम 100 kg ऑफ यार्न खरीदते हैं तो उससे हमारे पास जो धागा बनता है वो 100 kg नहीं बनता, लेट्स अज्यूम कि वो 85 kg बनता है। अब 85 में से हम कहते हैं कि 10% जो है वो हमारा वेस्टेज आ गया, तो 10% वेस्टेज आया तो वो तो 95 kg बना। सो 10 kg वेस्टेज आ गया हमारा, तो वो 85 + 10 kg इज इक्वल टू 95 kg। तो एक्चुअल में तो ये 100 kg होना चाहिए, तो वो 5 kg का किधर चला गया? सो वो 5 kg हवा के अंदर चला गया, वो आपके एनवायरमेंट के अंदर चला गया। सो हमने वो कहाँ गया? वो अब इससे आगे ये है कि दैट वेस्ट इज कॉल्ड इनविजिबल वेस्ट। वो जो 5% हवा के अंदर हमने मॉइस्चर उड़ा दिया उसको हम इनविजिबल वेस्ट कहते हैं। अब हमने खरीदी कॉटन 100 kg, धागा बनाया उससे 85 kg, 10 kg हमारा वेस्ट चला गया और 5 kg इनविजिबल के अंदर चला गया, और अब हमने उसको सेल करना है। सो सेल करना है तो हमने 5 kg इधर जाएगा उसका, उसके उसके पैसे भी तो हमने कहीं ना कहीं से लेने हैं ना। सो हम क्या करेंगे कि हम इसकी हीट सेटिंग करेंगे, हम हीट प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। जब हम उसे स्टीम प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करता है कि कॉटन को जब सारी अब कॉन्स बन गई हुई है, अब उसकी कंडीशनिंग कर रहे हैं, अब हम उसको मॉइस्चर कंटेंट दे रहे हैं बने हुए धागे को कि आप अपना जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिटेन कर लो, आप दोबारा 3 से 4.5% से दोबारा 8.5% पे चले जाओ। बट अगेन इसमें इशू है, वो ये कि हमारा जो यान है वो रिटेन कर सकता है ओनली बहुत अच्छी कंडीशंस के साथ भी अप टू 7% या 7.5% ऑफ द मॉइस्चर रिगेन। इसमें होता ये है कि क्योंकि अब जो अब 8.5 क्यों नहीं कर सकता, उसकी वजह ये है कि जब हमने कॉन बना ली तो वो कॉन का ऊपर वो वाला धागा जो बिल्कुल ही उसके अंदर चला गया होगा तो वहां तक अब मॉइस्चर नहीं पहुंच सकता। सो अब जो हमारे पास आउटर एटमोसफेयर है जिसके अंदर वो वाला धागा जो एक्सपोज्ड है कि वो मॉइस्चर रिटेन कर सके, उसकी क्वांटिटी कम हो गई। लेकिन एक कॉटन हमने खोल के रखी हुई है पूरी की पूरी, तो हर फाइबर की ये क्वालिटी है के अंदर ये एबिलिटी है कि वो उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अब हमने उसको पैक कर दिया, लेयर्स लगा दी हैं, कुछ धागा बाहर एक्सपोज है और बहुत सारा धागा उसके अंदर एक्सपोज है, तो जो बिल्कुल अंदर होगा तो वो अब उस मॉइस्चर कंटेंट जो है वो उस धागे तक नहीं पहुंच सकेगा और उसको रिटेन नहीं कर सकेगा। सो यहाँ पे हम कंडीशनिंग से मुराद ये था कि वो जो हमारा मॉइस्चर रीगेन वाला लॉस है हम उसको कुछ ना कुछ मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। एंड सेकेंड थिंग जो हम कंडीशनिंग के अंदर करते हैं वो करते हैं ट्विस्ट को हीट सेट करते हैं। अब हमने यान को ट्विस्ट दे लिया, लेकिन यान के अंदर पहले तो ट्विस्ट नहीं था, यान की तो एबिलिटी नहीं थी ना, फाइबर्स की तो ये एबिलिटी नहीं थी कि वो ट्विस्टेड फाइबर्स तो नहीं थे। सो उसका क्या होता है कि वो जैसे ही आप उस धागे को छोड़ेंगे तो वो अनट्विस्ट होने की कोशिश करता है, धागा अपने आप अपने ऊपर लपेटने की कोशिश करता है अपने आप को, धागा अनट्विस्ट होता है। सो इट मीन्स कि अगर हमने 100 ट्विस्ट दिए थे तो उसमें से 10, 15 या 20 ट्विस्ट जो है उससे अनओपन हो जाने, अनट्विस्ट हो जाना उन्होंने। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, हम उसको स्टीम प्रोवाइड करते हैं।
ये ऐसे ही है जैसे आप कॉटन के फैब्रिक्स को पानी लगा के जब प्रेस करते हैं तो उनके अंदर जो सिलवटें होती हैं, जो रिंकल्स होते हैं, जो फ्रीजेस होती हैं, वो बीच में से निकल जाती हैं और फैब्रिक जो है वो हीट सेट हो जाता है, वो बिल्कुल प्लेन हो जाता है। सो हम भी यहाँ पे यही कर रहे हैं, या अगर आपने फैब्रिक के अंदर सिलवट खुद से डाल लें तो आप उसको पानी लगाएं और उसके बाद उस सिलवट को डालें और उसको प्रेस करना स्टार्ट कर दें हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो वो सिलवट उसके अंदर परमानेंटली इंड्यूस हो जाएगी। सो यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं, हम इसको स्टीम प्रोवाइड कर रहे हैं और उस स्टीम की मदद से हम उसको परमानेंट कर रहे हैं, हम उसको कह रहे हैं कि आपने इसके अंदर रिटेन करना है। अब हमने कंडीशनिंग भी कर ली, उसके बाद हम पैकिंग करते हैं और हम उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं बस। बट इस सारे के दरमियान में ब्लू रूम से स्टार्टिंग फ्रॉम दी बेल परचेजिंग, जहाँ पे हम जिनिंग फैक्ट्री से बेल परचेज करते हैं और फिर ब्लू रूम में लेके आते हैं, इवन स्टोर के अंदर और फिर ब्लू रूम के अंदर लेके आना, और डिफरेंट प्रोसेसेस कार्ड में से, ड्राफ्ट फ्रेम में से, और डिफरेंट प्रोसेसेस लेके आना, उसकी कंडीशनिंग करना और उसको पैक करना और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, इस सारों से, इन सारे प्रोसेसेस के दरमियान हम क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन रखते हैं। हम उसकी डिफरेंट प्रोसेसेस के ऊपर हम उसकी डिफरेंट टेस्टिंग करते रहते हैं। फाइबर टेस्टिंग के ऊपर हमारे पास क्या आती है, सबसे पहले उसके अंदर हम फाइबर की लेंथ चेक करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, फिर माइक्रोन है एक मेजर है जो कि फाइबर की फाइननेस को मेजर करती है कि हमारा फाइबर कितना फाइन है, मॉइस्चर चेक करते हैं कि उसका मॉइस्चर रिगेन कितना है, उसमें कितना फाइबर ने मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर रिटेन किया हुआ है, कलर ग्रेड चेक करते हैं, शॉर्ट फाइबर कंटेंट चेक करते हैं कि हमारी एवरेज फाइबर्स की लेंथ कितनी है और उसमें से शॉर्ट फाइबर्स कितने हैं, लॉन्ग फाइबर्स कितने हैं, उनको चेक करते हैं, फिर ट्रैश डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं कि पूरे के अंदर हमारे पास जो है वो ट्रैश कहाँ कहाँ पे था और किस तरह का ट्रैश है और कितनी क्वांटिटी है ट्रैश की, रिफ्लेक्शन एंड येलोनेस भी चेक करते हैं। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हमारे पास दो तरह के मशीन्स हैं, एक हैवी वॉल्यूम इंस्ट्रूमेंटेशन जिसे हम HVI कहते हैं, एंड सेकेंड इज एडवांस फाइबर इंफॉर्मेशन सिस्टम AFIS Pro 2। ये दोनों मशीन्स जो हैं ये सारे के सारी चीज़ें जो है उनको चेक कर सकते हैं। सो हम डिफरेंट तरह के ऊपर उसको चेक करते हैं, ये फाइबर लेवल की टेस्टिंग है। देन हमारे पास कॉटन ट्रैश को चेक करने के लिए एक मशीन है जिसे हम शर्ले एनालाइजर कहते हैं। ये मशीन क्या करती है कि ये ट्रैश को एनालाइज करती है उसकी कि कॉटन के अंदर कितना हमारे पास ट्रैश कंटेंट है और वो किस तरह का है। फिर इन प्रोसेस टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल भी होती है जिसके अंदर हमारे पास वेइंग ड्रम यूज करते हैं कॉटन यार्न का वेट करने के लिए, जहाँ से हम उसका काउंट जो है उसको वेरीफाई करते हैं। काउंट एनालाइजर होता है, ट्विस्ट एनालाइजर होता है, ली स्ट्रेंथ टेस्टर होता है जो कि यार्न की स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है, हेरीनेस टेस्टर होता है, हेरीनेस आपको बताया था कि प्रोट्रूडिंग फाइबर्स को कहते हैं। सो हम इन सारी चीज़ों को भी इंश्योर कर रहे होते हैं ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन कि हमारे पास जो धागा बन रहा है वो बिल्कुल ठीक बने और उसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। हम जितना ट्विस्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं एट दी एंड हमारे पास उतना ही ट्विस्ट आए, हम जिस काउंट का धागा बना रहे चाह रहे हैं एट दी एंड उसी काउंट का धागा बने, हम जितनी स्ट्रेंथ रखना चाह रहे हैं एट दी एंड हमारे पास उतनी स्ट्रेंथ ही हो। सो ये सारी टेस्टिंग है जो क्वालिटी को मेंटेन रखती है और ये हम ड्यूरिंग दी होल प्रोसेस हम उसको चेक करते रहते हैं। नेक्स्ट इज दी प्रोडक्ट चेंज। अब ये सारी जो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं यहाँ पे, इट मीन्स के ये टोटल प्रोसेस था फाइबर से यार्न बनाने तक का, पैकेजिंग करके उसकी क्वालिटी को चेक करके उसको ट्रांसपोर्ट करने तक। प्रोडक्ट रेंज में क्या आता है, स्पन यार्न जो है वो डिफरेंट काउंट्स के अंदर बन सकता है, डिफरेंट फाइबर से बन सकता है, डिफरेंट ब्लेंड से बन सकता है, फिर कॉटन जो है वो हमारे पास डिफरेंट तरह की होती है, डिफरेंट ओरिजन से आती है, पाकिस्तान, इंडियन, ब्राजीलियन, ग्रीक, USA, ठीक है, सो डिफरेंट ओरिजन से आ सकती है कॉटन हमारे पास। फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट तरह के हो सकते हैं और इनसे हम ब्लेंड भी बना सकते हैं जिसमें मोडाल, टेंसिल, पोलिएस्टर, विस्कोस है, ये सारे आप लोगों ने रॉ मटेरियल के अंदर पढ़े हुए हैं। जन काउंट की रेंज हमारे पास 8 सिंगल से लेके 100 सिंगल तक जो है वो कॉटन का यार्न बन सकता है। ब्लेंड्स हमने इसके करने हो तो पोलिएस्टर के साथ कर सकते हैं, CVC आप लोगों को बता दिया हुआ है कि अगर कॉटन की परसेंटेज ज़्यादा हो तो इट इज़ कॉल्ड चीप वैल्यू ऑफ कॉटन, और अगर पोलिएस्टर की परसेंटेज ज़्यादा हो तो इट इज़ पोलिएस्टर कॉटन एंड दैट इज 50% से ऊपर हो, ठीक है। इसी तरह पॉलीप्रोपिलीन के साथ या हम ट्राई ब्लेंड्स भी बना सकते हैं, मतलब दो ब्लेंड, दो फाइबर्स की बजाय हम 3 फाइबर्स का ब्लेंड भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ स्पेशल यार्न्स बनते हैं, एक नॉर्मल यार्न जो हमने हमने अभी तक बनाया,
फिर इसके बाद कुछ स्पेशल जांच भी बनते हैं, ये जो लाइक्रा स्लब डुअल कोर, ये सारे हमने इन द कमिंग डेज उनको इनको देखेंगे कि ये जांच कौन से होते हैं। सो दिस इज द होल प्रोसेस जो हमारा कॉटन जांच का था। एंड एट द एंड देयर इज एन अनाउंसमेंट, नेक्स्ट वीक फ्राइडे को जब हमारी क्लास होती है 4 PM, लोगों का क्विज होगा फ्रॉम द स्पिनिंग टेक्निक्स जो हमने इससे पहले वाला लेक्चर कवर किया था, एंड क्वालिटी कंट्रोल जो हमारा आज का लेक्चर है एट 4 PM, और ऑनलाइन क्विज होगा गूगल क्लासरूम के ऊपर। एंड मैंने इसको यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि जो लास्ट लेक्चर था वो आप लोगों ने, सारे लोगों ने नहीं देखा, एंड जो एवरेज व्यू टाइम आ रहा था उसका वो 1 मिनट आ रहा था, तो मैंने इसको लास्ट स्लाइड पे इसलिए डाला है कि अगर आप इस लेक्चर को सुनेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप लोगों का क्विज है। सो अगर कोई देखेगा तो उसे पता होगा कि क्विज है, अदरवाइज क्विज मिस हो जाएगा। मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोग स्लाइड्स को और लेक्चर को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, स्टे एट होम, वॉश योर हैंड्स, अल्लाह हाफिज़।